सोशल मीडिया ही नहीं, कोवैक्सीन को लेकर जो हेजिटेंसी पैदा हुई थी वो पॉलिटिक्स को लेकर भी हुई थी। जी हाँ, आप शायद यकीन करें ना करें, लेकिन इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन का शॉट ले रहे थे और उधर हो रही थी इस पर राजनीति। जी हाँ, इस पर राजनीति की बात भी करेंगे। दूसरी कवर स्टोरी आज की हमारी, बात करेंगे 5 राज्यों में चुनावी घमासान की, जहां पर आज विपक्ष ने डंके की चोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैक्सीनेशन का मुद्दा भी उठाया। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, यहां चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और धीरे धीरे यहां पर चुनावी पारा भी चढ़ता जा रहा है। चलिए तो अब बात करते हैं कि किस तरह की राजनीति इन तमाम राज्यों में हो रही है। हम बात कर रहे हैं 5 राज्यों के पॉलिटिकल पंच की। पश्चिम बंगाल, असम, केरल समेत 5 राज्यों के चुनावी बिगुल बज चुका है। सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है पश्चिम बंगाल की, तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। आज एक तरफ जैसा हमने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में राजनीति सिर उठा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन लगाने पर कांग्रेस ने सबसे पहले आपत्ति दर्ज करी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी ने वैक्सीन इसलिए लगाई क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव का माहौल है। आइए सुनते हैं अधीर रंजन ने क्या कहा। कोवैक्सीन के दिन मोदी जी की गमछा पहनने की शौक हो गए। गमछा असम के सिंबल होते हैं, नार्स केरल और तमिलनाडु के, तो ये 3 राज्यों में चुनाव भी शुरू हो गए हैं। तो मैंने कहा और 2 काम अगर मोदी जी कर देते कि एक ऋषि अरविंदो की एक तस्वीर और गीतांजलि की एक किताब अगर ले लेते तो बंगाल और पुदुचेरी भी इसमें आ जाते। और इसी बीच बिहार में चुनावी जंग हारने के बाद अब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव असम और पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में कूद पड़े। पश्चिम बंगाल की बात चल रही है तो वहीं की बात कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में उनका लक्ष्य बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकना है। और आज ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये थी तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी की मुलाकात की। तेजस्वी यादव बंगाल में टीएमसी के पक्ष में वोट डालने की अपील करते नजर आए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से मुलाकात भी की। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी ममता के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। अब आप कहेंगे कि आरजेडी का पश्चिम बंगाल में क्या मतलब है, तो देखिए दोनों बॉर्डर शेयर करने वाले राज्य हैं और एक बहुत बड़ी तादाद बिहारी प्रवासियों की वो पश्चिम बंगाल की भी है, इसलिए अच्छा खासा मायना वहाँ पर तेजस्वी यादव और उनकी आरजेडी की पार्टी राजनीतिक रूप से रखती है, इसलिए ये मुलाकात काफ़ी अहम है। और इस बीच सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी, जो अक्सर खबरों में रहते नहीं है, लेकिन आज उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर एक बड़ा और बड़ा दिलचस्प दावा कर दिया। उन्होंने एक रैली में दावा किया कि राज्य में यानी कि पश्चिम बंगाल में अगर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी तो ममता बनर्जी सरकार बनाने के लिए एनडीए में शामिल हो जाएंगी। जी हाँ, ये आरोप लगाया है सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने, यानी कि वही कह रहे हैं कि मौका मिला तो ममता दीदी हो जाएंगी बीजेपी के साथ। तमिलनाडु में राहुल गांधी जिसके दौरे पर हैं आजकल, राहुल गांधी एक अलग अंदाज में दिखे। वैसे राहुल जब से दक्षिण भारत के दौरे पर निकले उनका अंदाज काफी कुछ बदल गया है, लेकिन अब ये देखिए उनका पुशअप लगाता हुआ वीडियो आज खूब इंटरनेट पर वायरल हुआ। तरह तरह के रिएक्शन इसमें देखने को मिले। कभी समंदर में डुबकी लगा रहे हैं राहुल गांधी वहां पर, कभी कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच में जाके सेलिब्रिटी की तरह हाथ मिला रहे हैं, और आज पुशअप्स का ये अंदाज उनका सामने आया। और देखिए एक हाथ से सिंगल हैंड पुशअप जिसे बोलते हैं, काफी टफ माना जाता है, वो भी दिखाते नजर आए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कन्याकुमारी में रोड शो करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना तो साधा ही, लेकिन अपने इस अलग अंदाज के कारण आज खूब फुटेज भी लिया। और ये देखिए पुशअप्स के साथ साथ डांस करते हुए भी राहुल गांधी नजर आए। और इस वीडियो के बाद भी सोशल मीडिया पर तमाम रिएक्शंस की बाढ़ आ गई है। तो कन्याकुमारी में राहुल गांधी एक तरफ आज लगा रहे थे पुशअप और दूसरी तरफ किया डांस। तो एक तरफ राहुल भैया तमिलनाडु में कसरत करके अपनी राजनीतिक हसरतें पूरी करने की कोशिश में है, तो उधर बहन प्रियंका असम के चुनावी रण में लोगों के बीच जाकर एकदम इसी अंदाज में नजर आई।
डांस करते हुए। डांस के जरिए प्रियंका ने लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश की। ये तस्वीरें आप देखिए, दरअसल असम के दौरे पर हैं प्रियंका गांधी, और जब वो गुवाहाटी पहुंची तो भाई राहुल की तरह प्रियंका भी लोगों से मिलने जुलने और उनके बीच में हल्के फुल्के पल साझा करने के लिए निकली। अब प्रियंका ने असम के लखीमपुर में स्थानीय लोगों से जब मुलाकात की तो उसके बाद वहाँ का ट्राइबल डांस भी किया, और यहाँ उन्होंने लोगों को रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश तो की ही, लेकिन इस अंदाज में भी नजर आई। तो आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों अपने अलग अंदाज के कारण सुर्खियों में खूब छाए रहे। चलिए, तो इन्हीं रंग बिरंगी तस्वीरों के बीच में हम आपको पांच राज्यों में क्या माहौल है चुनाव का वो जरा समझाते हैं। मेरे साथ तीन सहयोगी मेरे जुड़ रहे हैं, जयपाल शर्मा जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से, पूजा मेहता जुड़ रही हैं कोलकाता से, और समीर दीक्षित जुड़ रहे हैं दिल्ली से। पहले जरा जयपाल शर्मा के पास चलते हैं। जयपाल, देखा हमने आज राहुल गांधी एकदम अलग अंदाज में नजर आए, पुशअप्स लगाते हुए नजर आए, फिर डांस करते हुए भी नजर आए। निशाना मतलब लक्ष्य उनका एक ही है कि कैसे लोगों में, लोगों के दिलों के जरिए सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा जाए। लेकिन आपको क्या लगता है, केरल हो, तमिलनाडु हो, पुदुचेरी, क्योंकि साउथ की मैं शुरुआत में बात करूंगा, कितनी मुश्किल इस बार आसान है या मुश्किल है कांग्रेस के लिए? जी देखिए, जहां तक कांग्रेस की राजनीति का सवाल है और खास करके राहुल गांधी का, तो जो कांग्रेस के अंदरूनी कला है, जिस तरह से हमने देखा जम्मू के अंदर में G23 होते हुए, तो इस वक्त राहुल गांधी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी तरीके से कांग्रेस को रिवाइव करना चाहते हैं। इसलिए जो पिछले कुछ दिनों से हम जिस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, भले ही वो केरल में अचानक उनका ये कहना कि साउथ के लोग, केरल के लोग ज़्यादा समझदार है, या आपको वो मछुआरों के या समुद्र में छलांग लगाते हुए तैरते हुए नज़र आते हैं, या आज के दृश्य जहां पर वो डांस करते हुए नज़र आए, आपको अपना पुशअप करते हुए फिटनेस लेवल का करते हुए नज़र आए, तो दरअसल राहुल गांधी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि साउथ में कम से कम इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो। लेकिन कांग्रेस जो को ये समझना होगा, या हमारे दर्शकों के लिए भी ये ज़्यादा ज़रूरी है, कि दक्षिण भारत की राजनीति जो है वो उत्तर भारत की राजनीति से बिल्कुल अलग है। सबसे पहले तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में जो है कांग्रेस बहुत पहले ही दरअसल सत्ता से विदा हो चुकी है। के कामराज के बाद जो नेता आए वो सभी रीजनल पार्टीज के नेता थे, और यहाँ का पॉलिटिक्स जो है वो द्रविड़ियन पॉलिटिक्स कहलाता है। द्रविड़ियन पॉलिटिक्स यानी हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा प्रदेश, जिसमें हिंदी विरोध एक खास है। ऐसे में वो जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भले वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी पकड़ इस प्रदेश पे ज़्यादा नहीं है। मूल रूप से ये पीछे रहते हैं, फ्रंट लाइन पर AIDMK और DMK के बीच में मुकाबला होता है। इस बार कांग्रेस जो है वो DMK के साथ है, और इस चुनाव के अंदर में जब सीटों का बंटवारा होगा तो हमें पता चलेगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली। लेकिन राहुल गांधी लगातार इस दौरे में केंद्र के ऊपर निशाना साधते हैं। सबसे पहले उनका ये कहना कि जो वर्तमान सरकार है तमिलनाडु की, वो एक रिमोट कंट्रोल सरकार है, जिसका रिमोट जो है प्रधानमंत्री के हाथ में है, यानी वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी पे निशाना लगा रहे हैं। उसके बाद उनका ये कहना कि तमिल लोगों को शायद प्रधानमंत्री समझ नहीं पाए, क्योंकि तमिल लोग ऐसे हैं जिनके साथ अगर आप प्यार से व्यवहार से पेश आएंगे तो वो उलट के आपको प्यार और व्यवहार देंगे। प्रधानमंत्री को ये समझना चाहिए। दरअसल वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तमिलनाडु को वो प्रधानमंत्री से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और इसी बीच लगातार युवाओं से मिलना, युवाओं की मांग पर ना सिर्फ डांस करना बल्कि उनके साथ ठीक पुशअप लगाना, और जैसा हमने देखा कि वो जो जूडो कैराटे का है, ये सारे तरीके वो अपना रहे हैं। ये तमिलनाडु की स्थिति है। पुदुचेरी में जरूर कांग्रेस थोड़ी बेहतर स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पर वो अभी सत्ता में थी, लेकिन इस बार वहाँ पर भी उनका मुकाबला जो है ज़्यादा कड़ा होगा, क्योंकि NR कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और AIADMK, ये तीनों पार्टियां मिलकर के एक गठबंधन जिसको आप NDA कह सकते हैं, और उसकी बानगी हमें पुदुचेरी में देखने को भी मिली। ले देकर अगर कहीं पर एक थोड़ा सा एक ग्रीन
पाश्चर ग्रीन स्पेस अगर देखा जाए कांग्रेस के लिए है, यूडीएफ के लिए वो केरल में नजर आता है, लेकिन वहां पर भी क्या होगा इस बार, कैसे समीकरण होंगे वो देखना भी दिलचस्प होगा। बहरहाल ये दक्षिण की राजनीति हमें समझ में आ गई। अब थोड़ा चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां से पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, पश्चिम बंगाल की राजनीति किस करवट बैठ रही है, वहां का ऊंट किस करवट बैठ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? आज तेजस्वी यादव मिले, क्या समीकरण है, कितना महत्वपूर्ण है? और सीपीएम और कांग्रेस भी अब लगातार धीरे धीरे ममता पर हमले तेज कर रहे हैं। बिल्कुल दीपक, आपको बता दें आज आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे और सेक्रेटेरिएट पहुंचे थे नौमान्नो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मिले। आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव के दौरान 3 से 4 सीटों पर जो है वो अपने कैंडिडेट्स को फील्ड कर सकते हैं और ज़रूरत अगर पड़ी तो तृणमूल कांग्रेस के साथ अलायंस भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये जो चुनावी जंग थी वो सिर्फ बाइपोलर दिख रही थी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन अब अगर हम देखें तो एक थर्ड जो है एंगल मिला है और ये 3-cornered फाइट हुई है। लेफ्ट कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ के जो पीरजादा हैं अब्बास सिद्दीकी का जो अलायंस है उससे, हम आपको बता दें कि लेफ्ट कांग्रेस अलायंस पर जो है हालांकि सीट शेयरिंग पर जो है अभी भी डिस्कशंस चल रहे हैं, लेकिन अगर ये पूरा अलायंस अगर ठीक ठाक रहता है तो भले ही उनके चुनाव जीतने की आशंका कम हो या चांसेस कम हो, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को ज़रूर नुकसान पहुंचा सकता है ये अलायंस। मैं आपको बता दूं क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में लेफ्ट का एक मेजर वोट बैंक जो था वो बीजेपी में गया था, तो अगर इस बार विधानसभा चुनाव के दौरान लेफ्ट के जो लॉयल या फिर डेडिकेटेड वोटर हैं जो सिर्फ लेफ्ट को ही वोट डालते हैं, अगर इस बार वो अपने पार्टी को ही वोट डालते हैं तो बीजेपी का वोट शेयर कहीं ना कहीं कम होगा। और अगर इस अलायंस की बात करें, क्योंकि इसे फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी है जो मुस्लिम पॉपुलेशन पर अपनी पकड़ रखते हैं, तो जो कहा जा रहा है यहाँ पर कि 30% मुस्लिम वोट बैंक है तृणमूल कांग्रेस का, जो अभी तक कंसोलिडेटेड वोट बैंक था उस पर भी टेंट कर सकती है अलायंस, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब्बास सिद्दीकी की इन्फ्लुएंस से मुस्लिम वोट जो है वो तृणमूल कांग्रेस के कटेंगे। तो भले ही ये अलायंस अभी चुनाव जीतने तक के चांसेस कम रखता हो लेकिन वोट बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों के काटेगा और चुनाव को प्रभावित जरूर करेगा ये अलायंस, ये आप कह रही हैं पूजा, ठीक है। फटाफट से चलते हैं दिल्ली, समीर दीक्षित के पास चलते हैं। समीर, दिल्ली से कुछ बात करने के लिए हैं या सारे नेता बीजेपी और कांग्रेस खेमे के सब दक्षिण की यात्रा पर निकल चुके हैं? दीपक, आज देश की जो सबसे बड़ी तस्वीर रही, जो सबसे बड़ा संदेश रहा एम्स अस्पताल से जो निकल करके आया, वही दरअसल बहुत बड़ी राजनीति की वजह भी बनी। आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज खुद कोरोना वैक्सीन लेकर के संदेश ये देने की कोशिश करी कि जो वैक्सीन है वो सुरक्षित है और लोगों को वैक्सीनेशन प्रक्रिया में आगे आना चाहिए, लेकिन ये पूरा जो कार्यक्रम रहा वो उसमें राजनीति जबरदस्त तरीके से निकल करके सामने आई। आपने देखा लगातार टीएमसी और कांग्रेस ने निशाना साधा कि ये सरकार, सबसे पहली बात तो इवेंट इसको पूरी तरीके से बना दिया, बकायदा कैमरे के तामझाम के साथ में पीएम मोदी ने ये वैक्सीन लगाई। दूसरा, कांग्रेस काफी हमलावर होकर के उन्होंने कहा कि जो ये वैक्सीन लगवाया पीएम ने, एक तो गमछा लगाया ताकि आसाम को केंद्रित किया जा सके, जो नर्स रही वो पुदुचेरी की रही, तो इसी के साथ उन्होंने तमिलनाडु पुदुचेरी को भी जोड़ा, और जिस तरीके से जो हुलिया है, जो दाढ़ी बढ़ाई है पीएम मोदी ने, तो उस पर भी तंज कसते हुए कहा कि ये कहीं ना कहीं रविंद्रनाथ टैगोर बनने की, कम से कम फिजिकल अपीयरेंस लेने के लिए पीएम मोदी ने कोशिश करी है। तो जो सबसे बड़ी तस्वीर रही उस पर कांग्रेस ने राजनीति करने का आरोप लगाया है, यही वजह है कि यहाँ से ये कहा जा रहा है कि ये जो वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया थी ये कहीं ना कहीं पीछे था असल मकसद बीजेपी या पीएम मोदी इसके जरिए राजनीतिक संदेश जितने भी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल 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 समीर, और वाकई में आज तो तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीनेशन शॉट लेने की, वो खूब जो है उसने विपक्ष को भी मौका दिया, राजनीतिक लोगों को भी अपने कल्पनाओं के घोड़े दौड़ाने के भी मौके दिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो, जैसा कि विपक्ष भी कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगा रहे हैं, जो नर्सेज हैं वो एक पुदुचेरी की हैं, दूसरी केरल की हैं, दोनों राज्यों में चुनाव हैं, और गमछा जो पहना है वो असम का है, तो आज खूब इस पर बहस हुई, खूब विश्लेषण हुआ।